मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला सशक्तिकरण विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं को संबोधित करते हुए सीनियर रिसर्च फेलो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली प्रोफेसर डॉक्टर डी आर शर्मा ने कहा कि महिलाओं में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है इन छात्राओं को सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने में कारगर सिद्ध होगा। कॉलेज महानिदेशक अभिनव शर्मा ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में प्राचीन काल से ही महिलाओं के द्वारा समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सहायक प्रोफेसर सतीश कुमार शर्मा, दिव्या सैनी, निशा सैनी, गरिमा शर्मा, शालू सैनी, प्रिया सैनी, नेहा सैनी, दिव्या यादव, सीमा जांगिड़, पायल जांगिड़, भावना शर्मा, तनिषा चौधरी, एकता मेहरा, उगंता यादव एवं पूजा यादव सहित अनेक छात्राओं के द्वारा अपने विचार रखे गए।